दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। कृष्णा, सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आज हम आपको श्री कृष्णा क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी का बड़ा पर्व आ रहा है और इसका एक विशेष महत्व है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि जन्माष्टमी किस दिन एक्चुअल पड़ रही है और शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। ज्योतिष बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी ज्योतिषाचार्य से बात हुई, उन्होंने क्या बताया वो सब हम आपको बताएंगे, तो चलिए बने रहिएगा। लेकिन आंगनवाड़ियों की खबर इस न्यूज में नहीं मिलेगी और ये न्यूज पूरी जो होगी जन्माष्टमी के ऊपर होगी। दरअसल जन्माष्टमी जो पर्व है दो दिन पड़ रहा है। पहले तो आपको बता दें, जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, और ये जन्मोत्सव देश सहित दुनिया भर में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उनका पूजन करते हैं और जन्माष्टमी का बड़ा पर्व पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि श्री कृष्ण भगवान रात को जन्मे हुए थे और उनके जन्म के समय सभी लोग अपने अपने घरों में पूजन करते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी व्रत रहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल चल रहा है, तो अब ऐसे में मथुरा वृंदावन जो इनकी नगरी है, इनका क्षेत्र है जहाँ पर ये जन्मे हुए थे, गोकुल, यहाँ पर आयोजन इस बार बड़े नहीं होंगे। जानकारी मिली है कि बड़े आयोजन पर पूर्णतया रोक लगा दी है। अब ऐसा नहीं है कि इनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाए, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी विगत सालों यानी कि पिछले साल से ही ले लीजिए, जब जन्माष्टमी पड़ती है तो बहुत बड़े आयोजन होते हैं, श्री कृष्ण का लाइव टेलीकास्ट होता है, संभवता है कि लाइव टेलीकास्ट होगा, लेकिन अब बड़े आयोजन नहीं होते। इन आयोजनों में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। मथुरा वृंदावन बिहारी मंदिर और विभिन्न मंदिरों में जितने भी मथुरा के मंदिर है, लेकिन इस बार भीड़ नहीं होगी, कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे। जो पुजारी हैं वह सिंपल आयोजन कर लेंगे। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि स्थानीय लोगों को भी बुलाया जाएगा या फिर नहीं, परमिशन होगी या फिर नहीं। ये सूचना मिल रही है कि स्थानीय जो लोग होंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग नियम के साथ बुलाया जा सकता है, अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन कोई बड़ा आयोजन मथुरा वृंदावन गोकुल में नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन पूर्व के सालों में होते रहते हैं और लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कोई भी आयोजन नहीं होने वाले हैं। तो ये अहम जानकारी हमने आपको दे दी है। तो भैया, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वृंदावन या मथुरा चले जाएं, वहाँ पर आयोजन देख सकते हैं, कार्यक्रम में सहभागिता कर सकते हैं, तो मत जाइएगा। विशेष अनुरोध है कि आप घर से भी कम निकलिएगा। अब चलिए आप लोगों के दूसरे सवाल का आंसर दे दूं। हमारे ज्योतिषाचार्य से वार्ता हुई, उन्होंने बताया है कि 11 और 12 यानी कि कल और परसों दो दिवस में जन्माष्टमी का ये शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग समझ गए होंगे 11 और 12, जी हाँ, दो दिन जन्माष्टमी का मुहूर्त है। आपको बता दें भाद्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जी हाँ, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताया जा रहा है और इसी दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें 11 तारीख से यानी कि 11 अगस्त से सुबह से ही शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएंगे और ये 11 अगस्त से 12 अगस्त की जो दोपहर नहीं मानेंगे, अपराह्न नहीं कहेंगे, 12 बता दें 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व होगा। और आपको ये भी बता दें 12 की 11 बजे तक यानी सुबह 11 बजे तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। इसी के साथ ही एक अहम जानकारी है कि पूजन काल, जी हाँ, पूजन काल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पूजन काल का शुभ मुहूर्त कितने बजे से रहेगा। तो ज्योतिषाचार्यों ने जानकारी दी है कि 12 अगस्त की रात्रि, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 12 अगस्त की रात्रि 12:05 से 12:47 तक इस समय जो है पूजन काल रहेगा, यानी कि 43 मिनट तक हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 43 मिनट को देखने को मिल रहा है पूजन काल जो शुभ रहेगा। हालांकि आपको इस दौरान पूजन कर लेना चाहिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन हमने बताई है और श्री कृष्ण से अपनी मन वांछित फल प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है और सभी लोग शुभ घड़ी को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको बता दें रात्रि 12
तारीख को 12 अगस्त को 12:04 से 12:47 तक ज्योतिष बता रहे हैं कि ये मुहूर्त जो है सुबह इस दौरान पूजन करना चाहिए। हालांकि आप दोपहर को छोड़ दीजिए, सुबह भी पूजन कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे वो भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में पूजन करना चाहिए ज्योतिषों के अनुसार। तो अब आपका क्या कहना है जन्माष्टमी को लेकर, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं कमेंट में बताइएगा। और ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। और सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।